paper yesterday, but we were very much busy in written activity. I gave you written activity, and after that we performed the presentation. We spent all of our time in those two activities. That's why we couldn't have completed this lecture. So now today is the time to learn this lecture. Everyone is ready? Yes, sir. Of course, ready. Now we should start. You know, for some days, we have been learning the family of have, has, two plus, verb first form. कुछ दिन से हम लोग have, has, two की family समझने की कोशिश कर रहे हैं. Have, has, two की family समझने की कोशिश कर रहे हैं. जिसमें, जिसकी serial में, जिसकी sequence में, हमने पहला lecture पढ़ा था, have, has, two plus, verb first form. जो बात करता था, present compulsion and present necessity की बात करता था. ऐसा कोई काम जो मजबूरी में करना पड़ता है. सेकेंड लेक्चर, उसके बाद दूसरा लेक्चर जो हमने पढ़ा था, काफी मुश्किल. हैड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वी यूज इट फॉर पास्ट कंपल्शन एंड नेसेसिटी. ऐसा कोई काम जो मजबूरी में पास्ट में करना पड़ा. मुझे चाय बनानी पड़ती है, रूटीन एक्शन है, मजबूरी के तहत करना पड़ता है. आई हैव टू मेक टी, पड़ती है. कल घर पे कोई नहीं था तो मुझे चाय बनानी पड़ी, पास्ट में चली गई बात. आई हैड टू मेक tea. I have to make tea. मुझे चाय बनानी पड़ती. I had to make tea. मुझे चाय बनानी पड़ी. सर क्लास में एब्सेंट थे कल, तो मुझे क्लास लेनी पड़ी. जहीर, ना लेनी पड़ी, कल एब्सेंट थे सर. सर वॉज एब्सेंट यस्टरडे, तो मुझे, हाँ, I had to take class. मुझे क्लास लेनी पड़ी. मुझे हर रोज यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है. आफ्ताब, I have to go university. मगर कल संडे था, स्पेशल क्लास थी, मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ा. वेरी गुड, वेरी गुड. दैट इज द सेंस यू पीपल विल हैव टू ग्रैब. यू पीपल विल हैव टू ग्रैब. ग्रैब का मतलब क्या होता है? गिरफ्त, कब्जे में लेना, अपने हाथ में लेना. ग्रैब कहते हैं ना, लैंड ग्रैबर, कब्जा, कब्जा करने वाला, जगहों पे कब्जा करने वाले को क्या बोलते हैं? लैंड ग्रैबर. ग्रैब का मतलब है कब्जा करना, पकड़ना, हाथ भी चीज को, सेंस को पकड़, कुछ कुछ किसी को भी. मैं कहता हूं आई एम ग्रैबिंग द बैग, मैं बैग को पकड़ रहा हूं. आई एम ग्रैबिंग द बैग. ओके, बैग, हाँ. मैं कहता हूं दिस इज वेरी नाइस दैट यू आर ग्रैबिंग द सेंस. नाउ दिस इज द टाइम वी पीपल आर गोइंग टू लर्न अबाउट विल हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. अब आते हैं विल हैव टू की तरफ. Everybody will pay attention to the will have to. बड़ा ही आसान लेक्चर है. तीसरा फैमिली मेंबर, पहला था have has to plus verb first form, दूसरा था had to, and third one is will have to. यहां पे जैसे ही will आया है तो will से आपको एक बात तो समझ आ गई है कि will का मतलब ये किस 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 टेंस की बात करता होगा, किस जमाने की बात करता होगा, फ्यूचर की बात करता होगा. और ऐसे ही फैक्ट है भाई, यही फैक्ट है कि will have to plus verb first form is a lecture. We use it for future compulsion and necessity. ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में ना चाहते हुए मजबूरी के तहत हमें करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? will have to. मैंने एक और बात कही थी कि इसका जो प्रेजेंट वाला है have has to plus verb first form, वो भी कभी कभार फ्यूचर के लिए यूज होता है. Sometime we use the present one also for the future, but this one is specially for the future. We use it for future compulsion and necessity. हम इसको यूज करते हैं future compulsion और necessity के लिए. ऐसा कोई काम जो future में करना पड़ेगा ना चाहते हुए. Will have, has to, had to, सारे बात यही करते हैं obligation की, फर्ज, कोई भी काम मजबूरी, फर्ज, ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा. Okay? So what is the formula? Subject plus will have to plus verb first form plus object. सब्जेक्ट तो पता है ना, लेट मी हैव अ स्मॉल रिविजन. प्लीज स्पीक. यस, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. फैंटास्टिक, स्पेक्टेक्युलर. सो आई, वी, यू, ही, शी, इट, एनी नेम, ही, शी, इट, दे. दिस इज द सब्जेक्ट. विल हैव टू रिमेन सेम, ये ऐसे ही रहेगा. फिर वो काम जो ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा. मेरी आई साइड वीक है, मुझे ग्लासेस बिल्कुल पसंद नहीं है, बट क्या करूं, बट क्या करूं, क्या करूं को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ना 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 ना, क्या करूं या क्या करें? ना ना ना, बट व्हाट टू डू, क्या करें? मैं कहता हूं मेरी आई साइड वीक है मगर क्या करें, और मुझे ग्लासेस पसंद नहीं है. माई आई साइड इज वीक, आई डोंट लाइक ग्लासेस, बट व्हाट टू डू, क्या करें? व्हाट टू डू, क्या करें? आई विल हैव टू वेयर ग्लासेस, मुझे ग्लासेस पहनने पड़ेंगे. व्हाट टू डू, क्या
करें आफ्ताब, कहां करें? हाँ, वेयर, वेयर टू डू, कब करें? वेन टू, कैसे करें? हाउ टू डू. चले इसको चेंज करते हैं, आप लोग इसको चेंज करते हैं. मैं कहता हूं आतिका लिखें, आप कहती हैं सर क्या लिखें? व्हाट टू राइट, कहां लिखें? वेयर टू राइट, कहां लिखें? कब लिखें? वेन टू राइट, वेन टू राइट. मैं कहता हूं आप कहती हैं कैसे लिखें? हाउ टू राइट, क्यों लिखें? वाई टू राइट, क्यों लिखें? हसन, मैं कहता हूं बोले, आप बोलते हैं सर क्या बोले? व्हाट टू स्पीक, क्या बोले? मैं कहता हूं, बोलते हैं आप कहते हैं सर कैसे बोले? हाउ टू, आप कहते हैं सर कब बोले? वेन टू स्पीक, क्यों बोले? वाई टू, कहां बोले? वेयर टू स्पीक. तो डब्ल्यू एच प्लस टू प्लस वर्ब, और ये क्या बन जाता है? सडन क्वेश्चन, एक छोटा सा सडन क्वेश्चन बन जाता है. ओके, सडन क्वेश्चन बन जाता है छोटा सा. अच्छा, आप क्लास में आते हैं, मैं कहते हैं बैठो, काशिफ कहते हैं सर कहां बैठे? वेयर टू सिट, कहां बैठे? ओके, मैं कहता हूं गाड़ी स्टार्ट करें, जहीर कहते हैं सर कैसे स्टार्ट करें? नहीं, क्यों स्टार्ट करें, नहीं कैसे स्टार्ट करें? हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करें? मैं कहता हूं बाहर जाएं, तारिक कहते सर क्यों जाएं? व्हाई टू गो, क्यों जाएं? ओके, मैं कहता हूं लेट्स सपोज व्हाई टू गो, क्यों जाएं? ओके, मैं कहता हूं कि लिखें, आप कहते सर क्या लिखें? व्हाट टू राइट. ओके, मैं कहता हूं भागें, कहते सर कैसे भागें? हाउ टू रन, मैं कहता हूँ भागे, अबू बकर कहते हैं सर कहाँ भागे? ना ना, हाँ, वेयर टू रन, कहाँ भागे? वेयर टू रन, कहाँ भागे? मैं कहता हूँ खाएं, आप कहते हैं सर क्या खाएं? व्हाट टू ईट, आप कहते हैं सर कहाँ खाएं? मैं कहता हूँ आज शाम को रेस्टोरेंट चलते हैं, आपका रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, आप कहते हैं सर क्या खाएं? व्हाट टू ईट, कहाँ खाएं? Where to eat? Okay. कब खाएं? When to eat? क्यों खाएं? Why to eat? कैसे खाएं? How to eat? Yeah, certain question. Many time we people use. Many time. बहुत ज़्यादा use होता है. What to do? क्या करें? एक बहुत पुराना गाना है, कुछ दिन पहले मैंने YouTube पे देखा था. ओ बाबा, what to do? Indian गाना था. उसमें सुनील शेट्टी, बहुत पुराना सा था. उसमें like this. So what to do? Where to do? How to do? When to do? ये सारे. WH plus two. प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. मैं कहता हूं अब्दुल्ला ड्रीम वर्ल्ड चलें, कहते हैं सर अच्छा क्या पहनूं या क्या पहने? क्या पहने? वेयर कहते हैं पहनने को, तो क्या पहने? व्हाट टू वेयर. कब पहने? क्यों पहने? व्हाई टू वेयर. ओके, कहां पहने? वेयर टू. बहुत नाजुक सूरत है हाल है. बहुत नाजुक सूरत है हाल थी, दो दफा वेयर आ गया, दर्स आ गया ना. ओके, वेयर टू वेयर. सो क्या है, अब याद रखेंगे आप लोग? हाँ, आप याद रखें, आप कहते हैं सर क्या याद रखें? व्हाट टू रिमेंबर, व्हाट टू रिमेंबर. मैं कहता हूँ याद रखना, कहते हैं सर कैसे याद रखें? हाउ टू रिमेंबर. आप कहते हैं सर क्यों याद रखें? व्हाई टू रिमेंबर. कब याद रखें? हाँ, व्हेन टू रिमेंबर, वेयर टू रिमेंबर. मैं कहता हूँ चलें, हसन कहते हैं सर कहाँ चलें? वेयर टू गो. कब चलें? क्यों चलें? व्हाई टू गो. कैसे चलें? ओह, हाउ टू गो. लाइक दिस. यू अंडरस्टैंड दिस वन? डब्ल्यू एच प्लस टू प्लस वो फर्स्ट फॉर्म, वेरी सिंपल एंड ईजी बट वेरी यूजफुल. ओके, अब समझें, आप कहते हैं सर क्या समझें? क्या समझें? व्हाट टू अंडरस्टैंड. आप कहते हैं सर एक्सप्लेन करें. मैं कह रहा हूँ व्हाट टू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करूं? कहते हैं सर ये. मैं कहता हूँ हाउ टू एक्सप्लेन, कैसे एक्सप्लेन करूं?
where to explain, when to explain, whatever. Anyway, come back to lecture. वापस lecture की तरफ आते हैं. We were talking about will have to plus verb first form. हम बात कर रहे थे will have to, ऐसा कोई काम जो future compulsion और necessity है. ऐसा कोई काम ना चाहते हुए भी future में करना पड़ेगा. Have, has to, had to, उनका तीसरा family member है. Formula is, we were talking about formula. हम बात कर रहे थे formula के बारे में. Subject, will have to, plus verb first form, plus object. Subject आपके पास है. सरकार, सब्जेक्ट आपके पास है. हुजूर, लेक्चर आपको पता है. जनाब, सिर्फ आपको ये लगाना है वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ओके, और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, ओके. आई विल हैव टू टेक क्लास. आई विल हैव टू टेक क्लास. आफ्ताब कहते हैं कि आज मैं बहुत बीमार हूं. टुडे आई एम वेरी इल. मगर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है. जो लोग नहीं आए उन्होंने मिस किया ये लेक्चर. व्हाट टू, वेयर टू, ये मिस किया उन लोगों ने. वोकैबुलरी मिस की, प्रेजेंटेशन मिस की, अभी रिटन टॉपिक है, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, वो सब मिस किया. तो आप कहते हैं आई विल, आफ्ताब कहते हैं मैं बहुत बीमार हूँ. आई एम वेरी इल. बट व्हाट टू डू, मगर क्या करूँ. आई विल हैव टू टेक क्लास. मुझे क्लास लेनी पड़ेगी. आई विल हैव टू टेक क्लास. मुझे क्लास लेनी पड़ेगी. फ्यूचर की बात हो रही है. मैं कहता हूँ सबने प्रेजेंटेशन देनी है. टॉपिक ये है. आप कहते हैं सर टॉपिक बहुत मुश्किल है, हम प्रिपेयर नहीं है, हम रेडी नहीं है. मैं कहता हूँ जो भी हो, वट एवर इट इज, वट एवर, जो भी, वट एवर, वट एवर, ये आर साइलेंट होना चाहिए, एक ही तरह आवाज आनी चाहिए. वट एवर, जो भी, जब भी, जब भी, वेन एवर, जहां भी, wherever, जैसे भी, whenever, yes. और इसको इतना जबरदस्त बोलते हैं ब्रिटिश, इसकी आवाज इस तरह करके ये वट एवा यूं बना देते हैं. और टी भी साइलेंट होता है. आप देखें यू बोलेंगे whatever. क्या बोलेंगे? Whatever the thing is, whatever the thing is. जब भी तो हमारे सर पे जाता है, हमें आदत है सुनने की whatever. और वो लोग क्या बोल रहे होते हैं, इस तरह करके बोलते हैं whatever. यूं हमें सुनने की आदत है whenever. वो क्या बोल रहे होते हैं इसको, बिल्कुल इस तरह करके कि when लिखा हुआ है और ever को इस तरह, ये a, ये a, यूं इसको बोलेंगे. इसका भी ये t भी गायब कर दिया, ये t भी गायब कर दिया, और ever को ever, whatever, whatever the thing is. You people will have to pay attention. Wherever, whenever, however. So whenever you speak, whenever you speak, आर इज साइलेंट. कभी मिल गए तो क्या होगा? नहीं, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है. आप ब्रिटिश से मिलना और उनको कहना, ब्रिटिश को कहना, ये क्या है इंग्लिश के अंदर, बोले ये क्या है इंग्लिश के अंदर, आर साइलेंट, ओ साइलेंट, ये साइलेंट, वो साइलेंट, बोलना क्या हम आपके गुलाम है, हम आपके गुलाम हैं. जैसे आप इंग्लिश बोलेंगे वैसे ही बोलते रहेंगे हम भी. यस, ओके, यस, व्हेनेवर, व्हाटएवर, यस, व्हाट आई वाज टॉकिंग हियर, प्लीज, विल हैव टू, आई विल हैव टू टेक क्लास, वी विल हैव टू गिव प्रेजेंटेशन, हमें प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, शी विल हैव टू सबमिट प्रोजेक्ट. आज प्रोजेक्ट की लास्ट डेट है. जब ही जो है ना हफ्सा नहीं आई है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जाएंगी, एंड शी विल हैव टू सबमिट प्रोजेक्ट. उन्हें प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा. और इसमें भी सब्जेक्ट और विल को अक्सर मिला के बोलते हैं. मैंने पहले ही बताया था ना, सब्जेक्ट और विल मिला के कैसे होता है, आइल. और ना भी बोले, जब बात पे जोर दिया जा रहा होगा तो फिर जो है ना कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा. और नेगेटिव कैसे बनेगा? हाँ बिल्कुल, यस. कुछ लोग क्या करते हैं, नेगेटिव में हैव के बाद नॉट लगाते हैं. ना 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 ना, विल के बाद नॉट लगेगा. मुझे क्लास नहीं लेनी पड़ेगी. आई, हाँ, वॉन्ट भी लगा सकते हैं. आई विल नॉट हैव टू टेक क्लास. मुझे क्लास नहीं लेनी पड़ेगी. आई विल नॉट हैव टू टेक क्लास. यू कैन से आई वॉन्ट हैव टू टेक क्लास. विल नॉट को मिला के वॉन्ट भी कह सकते हैं. आई वॉन्ट हैव टू टेक क्लास. विल आई हैव टू टेक क्लास. क्या मुझे क्लास लेनी पड़ेगी? विल आई हैव टू टेक क्लास. क्या मुझे क्लास लेनी पड़ेगी? इंटरोगेटिव. विल आई हैव टू टेक क्लास. हुज़ फोन इज रिंगिंग? यस. Yeah, get the call, that's no problem. Okay, will I have to take class? For interrogative we use. So lecture, all in all, is very simple and easy. Will have to. We use it for future compulsion and necessity. Future compulsion and necessity. Whenever we talk about future compulsion, aisa koi kaam hume na chahte hue bhi karna padega. Unwillingly.
एक तो होता है विलिंगली, चाहते हुए. दिस इज अनविलिंगली, ना चाहते हुए. तो क्या मतलब है विलिंगली का? चाहते हुए, विलिंगली, इंटेंशनली. यस, विलिंगली, चाहते हुए, इंटेंशनली. Intentionally, willingly, चाहते हुए. I willingly go there. I intentionally go there. Intentionally, willingly, yes. चाहते हुए. दोनों का willingly, चाहते हुए. Intentionally, इरादतन. Intention का मतलब इरादा होता है ना, इरादतन. अच्छा, एक और बात करूंगा फिर मैं. Intentionally, इरादतन, इरादे से, अपनी नीयत से, और विलिंगली भी चाहत से, दोनों के एक ही मित्र मतलब जानबूझ के. ओके, एक और बात करूंगा लास्ट में. ड्यूरिंग और वाइल, ड्यूरिंग और वाइल, दोनों में फर्क क्या है? ड्यूरिंग मतलब दौरान में, वाइल मतलब भी दौरान में. सर, बोथ आर सेम, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंस. यही तो डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं. ड्यूरिंग और वाइल. ड्यूरिंग हम हमेशा नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, वाइल हमेशा वर्ब के साथ आता है. जैसे मैं कहता हूं क्लास के दौरान आपको कॉल आई, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग क्लास यू रिसीव्ड कॉल. क्लास के दौरान आपने कॉल रिसीव की. ड्यूरिंग, ड्यूरिंग क्लास, क्लास के दौरान. अब देखें, मैं वर्ब लगा रहा हूं तो मुझे वाइल लगाना होगा. वाइल, while taking class you receive the call. while किसके साथ आया? verb के साथ. during किसके साथ आया? class के साथ. अच्छा, मैं कहता हूं we enjoyed a lot during party, while party. we enjoyed a lot. no, listen, we sing song during party, while party. during party. We enjoyed a lot. Dash celebrating party. While celebrating party or? While celebrating party. Okay, yes. Okay, okay, okay. Paper के दौरान मैंने तुम्हारा SMS receive किया. During paper, while paper, I received your SMS. During paper or while paper, I received your SMS. Yeah, 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 yeah. ना, देखें, ड्यूरिंग हमेशा नाउन के साथ इस्तेमाल होता है. जैसे मैं बोलूंगा पेपर के दौरान, इधर काम थोड़ी बता रहा हूं, नाम है. देखें, ड्यूरिंग पेपर आई रिसीव योर एसएमएस. अब क्या आएगा? पेपर करते हुए आपका मैसेज रिसीव किया. व्हाइल डूइंग पेपर आई रिसीव योर कॉल. यस, या व्हाइल डूइंग पेपर, या व्हाइल आई वाज डूइंग पेपर आई रिसीव योर कॉल. ऐसे भी हो सकता है, व्हाइल आई वाज डूइंग पेपर. ओके, आप कहते हैं कि let's suppose you people say, let's suppose you people say, lecture के दौरान मैंने news देखी. during lecture, while lecture, during lecture, lecture लिखते हुए मैंने news देखी. while writing lecture, while writing, during lecture, while writing lecture, दोनों का मतलब है दरमियान में, जबके. during and while, during noun के साथ, during lecture, while writing lecture. Yeah, this is like it. So you understand, we'll have to, you understand WH plus 2 plus verb first form? Yes, okay, you understand whenever, however, whatever, you understand grip, yes, intentionally, willingly, this, all that. So all in all today, you make sentences about will have to and WH plus 2. Will have to ke bhi jumle banaye aur wo bhi banaye. Where to go, how.